एक इच्छा कुछ नहीं बदलती है, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय बहुत कुछ बदल सकता है। मैं गौरव नरंजन इन्हीं शब्दों के साथ आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारवे तालुक में स्वागत करता हूं। निश्चय बैच जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती जो आई हुई है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है शिक्षक जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021, और इसको आपके संस्थान के द्वारा एक बैच संचालित किया जा रहा है इसके लिए, और उस बैच का हम लोगों ने नाम दिया है निश्चय बैच। इस बैच का नाम निश्चय बैच इसलिए दिया है क्योंकि इस बैच में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि वह सफलता को चुनेगा, और उसकी सफलता को चुनने के लिए टारगेट आलोक ऑनलाइन की पूरी टीम आपके साथ है। मैं गौरव नरंजन, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि किस प्रकार से आपको चीजें पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आपको समझनी है, कैसे पढ़ना है। ज्योग्राफी न केवल उन लोगों के लिए जिनका मुख्य परीक्षा में यह विषय है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनका कोई भी विषय हो लेकिन उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का जो 50 प्रश्न का टॉपिक है, जो जीएस का 50 नंबर का प्रश्न पत्र है, उसमें भी यह बहुत ही सहायक होगी। विगत परीक्षाओं में हम लोगों ने अच्छे खासे चयन दिए हैं। अगर हम कोई भी परीक्षा ले लीजिएगा आप, चाहे सुपर टेट का 69,000 वैकेंसी हो, जिसमें अभी तक ज्ञात लगभग 3,218 पदों पर हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को चयनित कराया है जो अभी तक ज्ञात है। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, जिसमें कई सारे हमारे छात्र अधिकारी का सफर तय कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, अब प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के साथ साथ सहायक अध्यापक के रूप में तैनात होने की, और इसी के लिए आपके संस्थान में बैच संचालित किया जा रहा है। अब जो मैंने पिछला लेक्चर आपको समझाया था, उसी लेक्चर के आगे का भाग है, और इस भाग को अच्छे से समझिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपवाह प्रतिरूप एवं अपवाह तंत्र। तो पिछले वीडियो मैंने आपको अपवाह तंत्र समझाया था, क्रमवर्ती नदियां, अक्रमवर्ती नदियां, प्रधान अनुवर्ती नदियां, प्रत्यानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी, ये सारी नदियों को हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे है, कोई भी नदी जब प्रवाहित हो रही है तो वो किसी न किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, और जब वह किसी न किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करती है तो उसी आकृति को क्या नाम दिया जाता है, तो उसकी इस आकृति को नाम दिया जाता है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह पैटर्न, हिंदी में प्रतिरूप को हम क्या कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं, कि वह किस मार्ग में बह रही है, और जब वह मार्ग में बह रही है तो कैसे कैसे पैटर्न या कैसे कैसे आकृतियों का निर्माण कर रही है। तो इसके अंतर्गत लगभग 6 प्रतिरूप आते हैं, जिसमें से 4 आपके सामने दिख रहे हैं और 2 इस वाले पेज पर मैंने लिखे हुए हैं। अब यहां पर एक एक से इन्हीं को हमें समझना है। तो पहला प्रतिरूप है आपका, जिसका नाम है वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप, वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप। तो यहां पर प्रतिरूप में शब्द और लिख दे रहा हूं, प्रतिरूप चलेगा। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप होता क्या है। तो अगर इसको आप समझेंगे तो इसमें होता क्या है कि एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी को हम लोग हमेशा ब्लैक से बनाएंगे। मान लीजिएगा कोई ये मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, और इस मुख्य नदी से कई सारी उसकी सहायक नदियां, क्या हो जाती हैं, आपके संलग्न हो जाती हैं, अपना जल मुख्य नदी को दे देती हैं, अपना जल मुख्य नदी को दे देती हैं। साथ ही साथ जो ये सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों की भी कई सारी सहायक नदियां होंगी जो अपना जल इन नदियों को दे रही होंगी, तो अब इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार का जो पैटर्न बन जाता है, इसी पैटर्न को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, अब देखिएगा मैंने ऐसे में बनाया था, इसी को अगर घुमा के हम ऐसा कर देते हैं तो देखिएगा स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड की कलाकारी है, या स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड की क्या है, कलाकारी है। तो इस प्रकार से नदी प्रवाहित हो रही होगी, और जब इस प्रकार से नदी प्रवाहित हो रही होगी चलेगा, तो जब सागर या महासागर में, ये इसका उद्गम है, इसका मान लीजिएगा यहां से निकल रही स्रोत है, और यहां पर जाकर ये अपना पानी गिरा रही होगी, अर्थात किसका निर्माण कर रही होगी, अर्थात डेल्टा का निर्माण कर रही होगी। आप देख सकते हैं लगभग यह एक वृक्ष के समान दिखाई दे रहा है, जहां पर यह अपना क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है, वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जड़ें हो, जैसे इसकी जड़ हो, तने हो, और यहां पर इसकी क्या है, कई सारी शाखाएं हैं।
तो इस पृथ्वी को नाम दिया जाता है वृक्षाकार पृथ्वी। अब अगर हम बात करते हैं कि वृक्षाकार पृथ्वी, फिर से मैं एक सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, जब किसी एक मुख्य नदी में उसकी कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं और उस सहायक नदियों की भी सहायक नदियां उससे आकर मिल जाती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रतिरूप को वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप कहा जाता है। यह वृक्षाकार या पादपाकार प्रतिरूप आपको दक्षिण भारत की नदियों में आमतौर पर देखने को मिलता है। यह वृक्षाकार प्रतिरूप आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो यह वृक्षाकार प्रतिरूप आपको दक्षिण भारत की नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र में भी इस प्रकार का प्रतिरूप आपको देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे दक्षिण भारत की अगर नदियों की हम बात करते हैं, यहीं पर बना देता हूं मैं, यहीं पर बना देता हूं, ये देखिएगा आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इसी को दक्षिण भारत की नदियों को हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की नदियों में जल एक निश्चित मौसम में पाया जाता है। कब पाया जाता है सर? वर्षात के समय में, क्योंकि यहां पर अधिक मात्रा में गर्मी होने के कारण ग्लेशियर का विकास नहीं हो पाता है, यहां पर ग्लेशियर नहीं है, और जब यहां पर ग्लेशियर नहीं है तो पानी कहां से आएगा? तो ग्लेशियर ना होने के कारण पानी आता है जब यहां पर बरसात होती है, इसलिए यहां की नदियों को, दक्षिण भारत की नदियों को वर्षाती नदी या फिर मानसूनी नदी या मौसमी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी या दक्षिण भारत की नदियों के नाम से संबोधित किया जाता है। यहां पर देखिए आप, मान लीजिएगा यहां पर एक नदी बना रहा हूं, ये गोदावरी नदी है, इस प्रकार से अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी की कई सारी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की कई सारी सहायक नदियां हैं, प्राणहिता, दूध प्राणहिता, प्राणहिता में वर्धा नदी आकर मिलती है, यहां पर पेनगंगा, पेनगंगा वर्धा नदी आकर मिलती है, ठीक ना। अगर इस साइड से अगर और आप नदियों को देखेंगे, ठीक ना, तो यहां सर भी नदियां आकर मिलती हैं, इस प्रकार से भी नदी आकर मिलती है, इस प्रकार से भी नदी आकर मिलती है। ये वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण हो गया। किस प्रकार का? वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण हो गया। यहां पर गोदावरी नदी के बाद यहां पर मान लीजिएगा कृष्णा नदी है, इस प्रकार से बहती है, कृष्णा नदी में भी कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, दूध गंगा है, पंचगंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, ठीक ना, इस साइड से भी नदियां आकर मिलती हैं इस प्रकार से। तो किस प्रकार से प्रतिरूप बन गया? तो यह प्रतिरूप बन गया वृक्षाकार। अगर आप गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, मान लीजिएगा ये सॉरी मुख्य नदी को हम लाल कलर से बनाएंगे, मान लीजिएगा यहां पर ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, मान लीजिएगा ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी का प्रतिरूप देखिएगा आप, गंगा नदी के समांतर बहती हुई एक नदी आकर मिलती है यमुना, यमुना की यहां पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल, यहां पर एक नदी है बेतवा, यहां पर एक नदी है केन, यहां पर एक नदी मिलती है गंगा नदी से जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा के बाद एक नदी मिलती है गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, यहां पर मिलती है आपकी कोशी, यहां पर आके जाके अंत में जाके मिलती है महानंदा, और यहां पर जाकर मिल जाती है आपकी, यहां पर जाकर आपकी मिल जाती है कौन सी नदी? सोन। अगर आप देखिएगा इसको भी अगर हम इसी प्रकार से सजोएं तो ये भी आपको ऐसा दिखाई देगा, यह भी आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे एक वृक्ष का आकार हो, जैसे एक वृक्ष का क्या हो, जैसे एक वृक्ष का आकार हो, देखिएगा इस प्रकार से, ठीक ना, तो इस प्रकार से यह दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है जैसे एक वृक्ष है ना। तो भारत में अगर पूछे आपसे कि वृक्षाकार प्रतिरूप या पादपाकार प्रतिरूप कहां पाया जाता है, तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां और साथ ही साथ गंगा नदी तंत्र इसके उदाहरण है। गंगा नदी तंत्र इसके क्या है? इसके उदाहरण है। बोलो बाबू, पहली बात क्लियर है? चलिएगा दूसरा प्रतिरूप देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं मिटा दूंगा इसको। चलिए हम दूसरा प्रतिरूप देखते हैं, आर्य अपवाह, केंद्र त्यागी या अपकेंद्रित। देखिएगा शब्द से ही पता चल जाएगा, केंद्र त्यागी, आर्य या फिर अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब होता है बाहर की ओर और अभिकेंद्रीय मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक ना। तो आर्य प्रवाह, केंद्रीय प्रवाह या अपकेंद्रीय प्रवाह इसकी बात करें तो आर्य प्रवाह, केंद्र त्यागी प्रवाह या अपकेंद्रीय प्रवाह में होता क्या है कि एक स्रोत होता है, एक क्षेत्र है, या एक मान लीजिएगा एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में कई सारी नदियां उद्गमित, इन क्षेत्र से या इस क्षेत्र से कई सारी नदियां उद्गमित होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो क्या करती हैं, गमन कर रही होती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा यह एक क्या है, यह एक केंद्र है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जाना होगा,
मान लीजिएगा यह मानसरोवर झील का क्षेत्र है। मानसरोवर कौन सी झील है बाबू? मान लीजिएगा यह मानसरोवर झील है, और अगर आप देखेंगे तो यहां से एक नदी इस प्रकार निकलती है, यहां से एक नदी इस प्रकार निकलती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। एक नदी इस प्रकार से निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी, जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं, सिंधु नदी। एक नदी इस प्रकार से निकलती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी आप देखिएगा एक केंद्र से होकर निकल रही हैं। जब एक केंद्र से होकर यह निकलेंगी तो इन्हीं को क्या नाम दे दिया जाता है? इनको नाम दे दिया जाता है केंद्र त्यागी, अपकेंद्रीय या आर्य अपवाह प्रतिरूप। केंद्र त्यागी, आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, इसको नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे उदाहरण, जैसे छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे दामोदर नदी, जैसे दामोदर नदी, जैसे स्वर्णरेखा नदी, जैसे दामोदर नदी हो गई आपकी, स्वर्णरेखा नदी हो गई, शंख नदी हो गई, कोयली नदी हो गई। तो शंख, कोयली और आपकी स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से विभिन्न दिशाओं में उद्गमित होती हैं। जब छोटा नागपुर पठार से विभिन्न दिशाओं में उद्गमित होंगी तो छोटा नागपुर पठार एक केंद्र हो गया, और इस केंद्र से बाहर की ओर जा रही केंद्र त्यागी। ब्राजीलियन उच्च भूमि भी इसका उदाहरण है। ब्राजीलियन उच्च भूमि से भी पराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी, ये सारी नदियां निकलती हैं, केंद्र का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। तो ये सभी नदियां किसके उदाहरण हो जाएंगी? तो ये सभी नदियां अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप के उदाहरण हो जाएंगी। किसके? अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप के उदाहरण हो जाएंगी। यहां पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, आर्य या केंद्र त्यागी या अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप क्या होता है? एक केंद्र होता है, और इस केंद्र जो है वह एक क्या होता है? उद्गम स्रोत होता है, और इस उद्गम स्रोत से विभिन्न डायरेक्शन में, विभिन्न दिशाओं में नदियां निकलती हैं, और विभिन्न दिशाओं में वो क्या करती हैं? गमन कर रही होती हैं, संचरण कर रही होती हैं, गमन कर रही होती हैं, संचरण कर रही होती हैं। तो ऐसी नदियों को, ऐसे अपवाद प्रतिरूप को क्या नाम दिया जाता है? आर्य या केंद्र त्यागी, ठीक ना। अब इसी का विपरीत है अभिकेंद्रीय अपवाद प्रतिरूप। इसी का विपरीत है और इसका विपरीत है अभिकेंद्रीय अपवाद प्रतिरूप। अपकेंद्र में केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं, और अभिकेंद्र में अंदर की ओर आएंगी, ठीक ना। अभिकेंद्र में अंदर की ओर आएंगी, चलिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसकी सबसे पहले अगर डेफिनेशन दी जाए, इसकी सबसे पहले अगर आपको परिभाषा दी जाए, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप की अगर परिभाषा दी जाए, तो समझिएगा, समझिएगा अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। ऐसी नदियां जो विभिन्न दिशाओं से निकलती हैं या विभिन्न उद्गम केंद्रों से निकलती हैं और किसी एक उद्गम केंद्र में आकर मिल जाती हैं। ऐसी नदियां जो विभिन्न उद्गम केंद्रों से निकलती हैं और एक केंद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी को हम दूसरी भाषा में भी नाम दे सकते हैं। ऐसी नदियां जो विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं और एक स्रोत में आकर अपना जल गिरा देती हैं, तो ऐसी नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम ऐसा देख सकते हैं, ए आपके पास एक सागर है। वास्तव में देखा जाए तो ये सागर नहीं है, यह एक झील है। वास्तव में देखा जाए तो यह एक सागर नहीं है बल्कि एक झील है, और इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसको आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? विश्व की यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सर, हम सागर किसे कहेंगे? सागर बाबू उसे कहते हैं, अच्छे समझ लो, सागर उसे कहते हैं जल का एक ऐसा भाग, जल का एक ऐसा भाग जो तीन ओर, जिसके क्या हो? पानी हो, एक ओर स्थल हो, तो उसे हम सागर कहते हैं। जबकि जल का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर धरातल हो, एक ओर सागर हो, उसको हम खाड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है। तो कैस्पियन सागर है यहां पर, और कैस्पियन सागर में आप देखिएगा कई सारी नदियां हैं जो आकर अपना पानी गिराती हैं। जैसे यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है बाबू। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत में एक नदी आकर गिरती है, यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है यूराल। आर का मतलब यहां पर रिवर है, ठीक ना। यहां पर रूस के क्षेत्र में, यहां पर यूरोप में रूस के क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेल्डाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है?
एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेल्डाई पहाड़ी। इस बेल्डाई पहाड़ी में भी, अच्छे समझिएगा, इस बेल्डाई पहाड़ी से एक नदी निकलती है और बेल्डाई पहाड़ी से जो नदी निकलती है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम है बोल्गा रिवर, बोल्गा आर। ये नदी अपना पानी कहां गिरा देती है? कैस्पियन सागर में। तो उद्गम केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन इनका निकास एक निश्चित क्षेत्र में हो रहा है। तो अलग अलग उद्गम केंद्रों से निकलने के बाद ये एक स्रोत में आकर मिल जाती हैं। तो ऐसी नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को, ऐसी नदियों के द्वारा निर्मित पैटर्न को अभिकेंद्रीय पैटर्न कहा जाता है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे एक सागर है, यह भी वास्तव में देखा जाए तो एक झील का ही उदाहरण है। नाम है इसका अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों की बाउंड्री पर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो देश हैं, यानी मध्य एशिया के यह दो देश। मध्य एशिया में पांच देश हैं कुल, लेकिन यह दो देश की बात हो रही है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर या उन दोनों की बाउंड्री पर बसा हुआ है अरल सागर। और अरल सागर में दो नदियां आकर अपना पानी गिराती हैं, अमूदरिया और सरदरिया। कौन सी है? अमूदरिया नदी, अमूदरिया, अमूदरिया नदी और सरदरिया नदी, सरदरिया। तो ये नदियों के उद्गम तो अलग हैं, लेकिन निकास एक ही है। तो इन नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को क्या नाम दिया जाएगा? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या नाम दे दिया जाएगा? तो नाम दे दिया जाएगा इनको अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। बोलिएगा, यहां तक मुझे नहीं लगता कि पहुंचने में, इतनी सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं, यहां तक नहीं लगता मुझे पहुंचने में आपको कोई समस्या हुई होगी। यहां तक समस्या होनी भी नहीं चाहिए, और यहां तक समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए, यहां तक समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो चीज आप जानते हैं उसी को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो उन चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ना केवल मैं बल्कि हमारे संस्थान का प्रत्येक टीचर यही चाहता है कि वह जो भी आपको समझाए बहुत सिंपल सी भाषा में समझाए और आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए। इसलिए हम लोगों को पूरे YouTube पर सबसे अच्छी बेस्ट फैकल्टी कहा जाता है। ना केवल हम पढ़ाते हैं बल्कि आपको सिखाते हैं, और सिखाते सिखाते आपको सफलता तक के मार्ग तक ले जाते हैं और अंततः आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती का एक फ्रेश बैच प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें दो या चार दिन के बाद कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। तो जो लोग उत्सुक हैं इस बैच से जुड़ने के लिए, जो लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं हमारे इस निश्चय बैच के साथ, हमारे इस निश्चय बैच के साथ जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मिनट में बता देता हूं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इंट्री जूनियर लिखकर सेंड कर देना है 8382966779 नंबर पर। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रवेश संबंधी सूचना दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है, ठीक ना, या फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यह हमारे संस्थान के नंबर है, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक ना। यह नंबर है, इस नंबर पर आपको शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी, बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी, ये हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं, वह आपको अच्छी सी जानकारी दे देंगे। जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चलेगा। अब फिर से आते हैं अपनी बातचीत पर, निश्चय बैच, ठीक ना, निश्चय बैच। और इस निश्चय बैच में, यह मेरी दूसरी पब्लिक क्लास है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप की बात आता है, कंटकी अपवाय प्रतिरूप, कंटकी अपवाय प्रतिरूप। और इसमें होता क्या है तो समझिएगा, कंटकी अपवाय प्रतिरूप के अंतर्गत एक नदी है मुख्य नदी, और ये मुख्य नदी बह रही है और मुख्य नदी ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। और अगर आप पिछले लेक्चर की बात करते हैं, यदि आप पिछले लेक्चर की बात करते हैं तो मैंने यह बताया था कि ढाल का अनुसरण करते हुए जो नदियां प्रवाहित होती हैं, ढाल का अनुसरण करते हुए जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों को क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है, उन नदियों को क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है। ऐसी ही एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, ऐसी ही एक नदी है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील से निकलती है। मान लीजिएगा ये मानसरोवर लेक का एरिया है, मानसरोवर, ये मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील से यहां से एक नदी निकलती है। ये नदी इस प्रकार से बह रही है, यानी ढाल इस प्रकार से है, तो ढाल के का अनुसरण करते हुए बह रही है एक क्रमवर्ती नदी का उदाहरण है ये ब्रह्मपुत्र नदी है।
ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है, ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है। अब जो नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इसके अच्छे समझिएगा, इसके जो ढाल है वो ढाल के विपरीत दिशा से आकर एक नदी इसमें आकर मिल जाती है, ठीक ना। तो इस प्रकार का मान लीजिएगा ढलान है और ढलान के विपरीत कोई नदी इससे आकर इस प्रकार से, इससे आकर इस प्रकार से मिल जा रही है। अब आता है आपका कौन सा प्रतिरूप, अब आता है आपका कंटकी प्रतिरूप। तो अच्छे समझिएगा कंटकी प्रतिरूप को। कंटकी प्रतिरूप में होता क्या है कि जो मुख्य नदी है वह नदी जिस ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही होगी, उस नदी के ढाल के विपरीत दिशा से आकर जो नदियां मिलती हैं उन नदियों को नाम दिया जाता है, या उन नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को नाम दिया जाता है कंटकी प्रतिरूप। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसा देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार बह रही है, मतलब इसका ढाल इस प्रकार से है, ए वाला क्षेत्र ऊंचा होगा और ए वाला क्षेत्र नीचा होगा, ए वाला क्षेत्र ऊंचा होगा और ए वाला क्षेत्र निचला होगा। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक मुख्य नदी जिस ढाल का अनुसरण करती हुई बह रही है, इस ढाल के विपरीत यानी इस ढाल का अनुसरण करते हुए विपरीत दिशा से जो नदियां आकर मिलती हैं, उन नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कंटकी प्रतिरूप कहा जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ढाल इस प्रकार है तो कोई भी नदी इसकी सहायक नदी होगी तो इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से इसमें आकर मिल जाएगी, इस प्रकार से आकर मिल जाएगी। तो यह तो ढाल के समांतर बह रही है, इसी प्रकार ये नदी बह रही है तो इसी प्रकार ये आकर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से नहीं होता है कंटकी प्रतिरूप में, इस प्रकार से नहीं होता है। होता है क्या, तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने समझाया कि इस प्रकार का ढाल है, लेकिन यहां पर लोहित और दिवांग नदियां आकर मिलती हैं, लोहित और दिवांग नदियां आकर मिलती हैं, और ये जो लोहित और दिवांग नदियां हैं ये ढाल के विपरीत दिशा में मिलती हैं, अर्थात ऐसे मिलती हैं, ये ढाल के विपरीत दिशा में मिलती हैं, अर्थात ऐसे मिलती है। तो एक मुख्य नदी जिस ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है, उस ढाल के विपरीत दिशा से आकर मिलने वाली नदियों के द्वारा जिस प्रतिरूप का निर्माण होता है उसे कंटकी प्रतिरूप कहा जाता है। ये आपकी लोहित नदी है जिस पर भूपेन हजारिका नाम का पुल है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है, और एक नदी ये है जिसका नाम है दिवांग नदी, एक नदी ये है और इस नदी का नाम आर का मतलब रिवर है। लोहित नदी और कौन सी, दिवांग नदी कंटकी अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कंटकी अपवाह प्रतिरूप का यह निर्माण करती है, ठीक ना। चलेगा, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा कठिन है। एक मुख्य नदी जिस ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है, उस ढाल के विपरीत दिशा से मिलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित अपवाह प्रतिरूप को कंटकी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटकी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहुंचते हमारे चार प्रतिरूप हो गए। वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण या वृक्षाकार पादपाकार प्रतिरूप कहां मिलता है? गंगा और दक्षिण भारत की नदियों में। आर्य अपवाह प्रतिरूप कहां मिलता है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, मानसरोवर झील के क्षेत्र में। अपकेंद्री कहां मिलता है? कैस्पियन सागर के क्षेत्र में, साथ ही साथ अरल सागर के क्षेत्र में। कंटकी अपवाह प्रतिरूप कहां मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में। अब इसके बाद आगे देखिएगा जालीनुमा प्रतिरूप। तो यह आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक मुख्य नदी है जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, एक मुख्य नदी है जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। इस मुख्य नदी का नाम क्या है? प्रधान अनुवर्ती नदी। तो क्या नाम बताया था इसका मैंने? प्रधान अनुवर्ती नदी। तो मान लीजिएगा ये प्रधान अनुवर्ती नदी बह रही है और प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर आकर एक नदी मिलती है और इसके भी समांतर आकर एक नदी मिलती है जो प्रधान अनुवर्ती नदी के विपरीत डायरेक्शन में बह रही होती है। तो इस प्रकार से यदि कोई नदियां आकर मिलती हैं तो इन नदियों को नाम दिया जाता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। क्या नाम दिया जाता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप इसको नाम दिया जाता है। यानी एक मुख्य नदी हो और उस मुख्य नदी की जो सहायक नदी हो समकोण पर मिलती हो, और जो सहायक नदी है उसकी जो सहायक नदी हो
वह समकोण पर मिलती हो, तो इस प्रकार के अपवाद प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाद प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रकार के अपवाद प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाद प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में इस प्रकार का अपवाद प्रतिरूप नहीं पाया जाता, भारत में इस प्रकार का अपवाद प्रतिरूप नहीं पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो अगर जालीनुमा अपवाद प्रतिरूप की बात करें तो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी समकोण पर मिलेगी, और जो उसकी सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदी समकोण पर आकर मिलती है, समकोण पर आकर मिलती है, तो इस प्रकार से निर्मित अपवाद प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, जालीनुमा अपवाद प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालीनुमा अपवाद प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में आमतौर पर ऐसा नहीं है कोई भी प्रतिरूप, लेकिन आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसका हल्का सा झलक आपको मिल सकती है, हल्की सी झलक आपको मिल सकती है गंगा और यमुना की सहायक नदियों में। कैसे सर, एक गंगा नदी है मुख्य नदी हो गई, गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना इस प्रकार से मिल गई, और यमुना से आकर मिल जाती है यहां पर बेतवा, यहां पर मान लीजिएगा चंबल, यहां पर बेतवा, यहां पर केन, तो इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा अगर आप देखेंगे तो हल्का सा जालीनुमा प्रतिरूप का इतना गंगा और यमुना की यहां तक के क्षेत्र में ये जालीनुमा प्रतिरूप हो सकता है। मतलब जालीनुमा प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होनी चाहिए, उसकी एक सहायक नदी होनी चाहिए, और सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होनी चाहिए, सहायक नदियों की भी क्या होनी चाहिए, सहायक नदियां होनी चाहिए, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। अब इसके बाद आता है एक समांतर प्रतिरूप, इसके बाद एक जो प्रतिरूप है समांतर प्रतिरूप में नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं, ना तो इनका उद्गम एक होता है और ना ही इनका जो निकास है वह एक होता है, ठीक ना। तो ऐसी नदियां जो एक दूसरे के समांतर बहती हैं तो उनके द्वारा निर्मित पैटर्न को, उनके द्वारा निर्मित प्रतिरूप को समांतर प्रतिरूप कहा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां इसके उदाहरण है, भारत के पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियां इसके उदाहरण है। कैसे है तो देखिएगा, यहां पर ये भारत का पश्चिमी तट है या पश्चिमी घाट है, और इस पश्चिमी घाट पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है नर्मदा, एक नदी प्रवाहित हो रही है इसका नाम है ताप्ती, एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है मांडवी, एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है ज्वारी, एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है सरावती, एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है काली, एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है भरत पूज्या, भरत पूज्या। तो यह देखिएगा एक दूसरे के समांतर बह रही हैं। तो भारत के पश्चिमी घाट पर नदियों के द्वारा जो प्रतिरूप का निर्माण होता है उस प्रतिरूप को नाम दिया जाता है समांतर प्रतिरूप। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर भी छोटी छोटी सी आपको नदियां मिल जाएंगी, जैसे यहां पर मान लीजिएगा साबरमती नदी है, यहां पर इस प्रकार से माही नदी है, ठीक ना। तो भारत के पश्चिमी घाट पर जो प्रतिरूप पाया जाता है वह प्रतिरूप कौन सा है, तो वह प्रतिरूप है आपका समांतर प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप है, तो यह प्रतिरूप हो जाता है समांतर प्रतिरूप। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको अपवाद तंत्र समझाए थे, क्रमवर्ती नदियां होती है, अक्रमवर्ती नदियां होती है सिक्वेंस में जो बहती हैं और जो सिक्वेंस में नहीं बहती हैं, ठीक ना, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। उसके बाद आज मैंने जो आपको है वो अपवाद प्रतिरूप समझाए, और अपवाद प्रतिरूप की अगर बात करते तो छह है, पादपाकार या वृक्षाकार प्रतिरूप, यह अधिकांश नदियों में पाया जाता है, भारत में दक्षिण भारत की नदियां, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र भी इसका उदाहरण ही है, आर्य केंद्र त्यागी, एक उद्गम केंद्र एक है लेकिन निकास अलग अलग होता है, इनका एक केंद्र से निकलती है और विभिन्न डायरेक्शन में फैल जाती है, तो केंद्रीय अपवाद प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय उद्गम अलग अलग है लेकिन निकास बिंदु एक है, अलग अलग जगह से निकलती हैं और एक जगह पर आकर मिल जाती है अभिकेंद्रीय। कंटकी प्रतिरूप, एक मुख्य नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, जिस ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है, उस ढाल के विपरीत दिशा में, उस ढाल के विपरीत दिशा से होते हुए जो नदियां मिलेंगी उन नदियों के द्वारा निर्मित प्रतिरूप को क्या नाम दिया जाता है, कंटकी प्रतिरूप कहा जाता है। उसके बाद जालीनुमा प्रतिरूप, एक मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी समकोण पर मिलेगी, और जो सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदी समकोण पर अगर मिलती है
तो इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। और समांतर प्रतिरूप में नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं, और जब नदियां एक दूसरे के समांतर प्रतिरूप हो गई तो जो पैटर्न बनता है उसे समांतर प्रतिरूप कहा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में समांतर प्रतिरूप पाया जाता है, भारत के पश्चिमी घाट में समांतर प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक ना, एक बार से मैं फिर से आपको संबोधित कर देता हूं कि निश्चय बैच है हमारा जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए, और यह हमारा संकल्प है कि हम इस बैच में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएं। इसलिए आपके माननीय रवि सर के द्वारा इस बैच को नाम दे दिया गया निश्चय बैच। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती है, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यह निश्चय आपको करना है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीम से पढ़ना है, या फिर ऐसे लोगों से पढ़ना है जो बातें अधिक करते हैं लेकिन पढ़ाते कम है। आप देखिएगा, अगर हम लोग 30 से 32 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो लगभग उसमें केवल 2 मिनट ही आपसे अपने प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन पूरे समय तक आपको पढ़ाते हैं। और यदि आप में से जो लोग भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं इस निश्चय बैच के साथ, उन्हें केवल इतना सा काम करना है, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इंटरव्यू जूनियर लिखकर सेंड कर देना है। आपको बैच से संबंधित प्रवेश सूचना सभी कुछ आपको बता दी जाएंगी। कोई भी आपके पास समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर साथ हैं नंबर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास हाल में छोटी रही क्योंकि टॉपिक समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में मिलिएगा तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से गंगा नदी पढ़ाऊंगा। साथ ही आपको यूट्यूब पर या आपको ऑफलाइन भी किसी शिक्षक ने ऐसे पढ़ाया हो तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे और गंगा नदी तंत्र को बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा और उम्मीद है कि आप इस नंबर पर जरूर हमसे संपर्क करेंगे, इंटरव्यू लेकर भेजेंगे और अपना बैच में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।